दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन 2007, 8, 10, 11, 15, 16, 18 लगातार कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स की पूरी तैयारी, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है। आप हमारी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इनमें क्या संबंध होता है उसको मैं स्थापित करता हूँ। तो बी नो दैट हम जानते हैं कि म्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है, जो चुंबकशीलता होती है उसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो कोई भी वैल्यू लिखने के साथ साथ हम उसका मात्रक जरूर लिखते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके आधे मार्क्स वहाँ पर कट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया म्यू नेट की वैल्यू इतनी होती है। और अगर आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि 1/4π ε₀ इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले जाएंगे और ये वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4π × 9×10⁻⁹। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल दी, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो यूकल टू, देखिए म्यू नॉट की वैल्यू ये है 4π × 10⁻⁷ गुणा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है तो 1/4π × 9×10⁻⁹। यहाँ से आप देख सकते हो 4π से 4π कट जाएगा, ये 10⁻⁹ के साथ नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो 1/9×10⁻⁹ 9×10⁻⁷ नौ और 7 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9×10⁻⁰। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/3×10⁻⁸² भी लिख सकते हैं। तो बी नो दैट हम जानते हैं प्रकाश की चाल सी इक्वल टू क्या होता है, 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c². तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमें ये इनमें रिलेशन प्राप्त हो गया, चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c², ये होता है इनमें रिलेशन। तो बहुत ही आसानी से हमने इनमें रिलेशन प्रूव कर दिया है, आपको 2 से 3 मार्क्स ये बोर्ड के एग्जाम में दिला सकता है। अगर बात करें यहाँ से हम सी की बीमा ज्ञात कीजिए, कभी कभार ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यानी 1/c², तो इस वाले फॉर्मूले में C की बीमा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर C की बीमा ईजिली निकाल सकते हो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या जाएगा, √1/μ₀ε₀। अभी यहाँ पर μ₀ε₀ की बीमा है आप रख सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट आपको प्रकाश की चाल C की बीमा है वो LT-1 प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।